हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ अरबी की पकोड़े की सब्ज़ी। यह सब्ज़ी बहुत टेस्टी है, खाने में बहुत लाजवाब लगती है और हेल्दी भी बहुत है। तो चलिए हम अरबी की सब्ज़ी पत्ते वाली बनाना शुरू करते हैं पकौड़े की। सबसे पहले हमने अरबी का पत्ता इतना लिया है यूज के अकॉर्डिंग। एक टमाटर लिए हैं, तीन हरी मिर्च लिए हैं और लहसुन 8-10 लिया है और सरसों दाना लिए हैं। तो सबसे पहले हम अरबी के पत्ते को तोड़ लेंगे, डंटल को उसके, और अच्छी तरह साफ कर लेंगे तोड़ के। ये देखिए दोस्तों, इस तरह डंटल को हमने तोड़ देना है बीच में से। सारे पत्ते को इसी तरह हम डंटल को तोड़ते जाएंगे। सारे पत्ते डंटल के हमने तोड़ लिए हैं। ये देखिए छोटे छोटे पत्ते हैं और पत्ते को मैंने अच्छी तरह धो लिए हैं पानी से। और ये पत्ते छोटे छोटे हैं, बड़े भी होते हैं, तो आप जैसा आपको उपलब्ध हो आप वैसा बना सकते हैं। तो पत्ते को हमने धोने के बाद इसको काटना शुरू करेंगे। आप चाहे तो चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं, तो मैं इसको काट लेती हूँ। सबसे पहले सभी पत्ते को इसी तरह हम काट लेंगे बाकी के। ये देखिए दोस्तों, हमने पत्ते को काट लिया। किसी बर्तन में हमने यहाँ पे बेसन डाले हैं यूज के अकॉर्डिंग। तो ये बेसन को हम इसको कटोरे में डाल देंगे, बड़े से कटोरा है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। मसाला में हम गरम मसाला पाउडर है, सब्जी मसाला पाउडर है, अमचूर पाउडर है, तीन सभी को हम डाल लेते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर हमने डाल दिए हैं, सब्जी मसाला पाउडर है, और थोड़ी सी हमने अमचूर पाउडर हमने डाल दी है और सब्जी मसाला पाउडर हमने एक्स्ट्रा डाले हैं। यूज के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं दोस्तों इसमें। अब इसको अच्छी तरह हम फेंट लेंगे, मिला लेंगे हाथों से। तो पानी थोड़ा थोड़ा डाल के हम फेंट लेंगे इसको, फिर हम पकौड़े फ्राई कर लेंगे इसके। बेसन जो है हमने अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसमें हम अरबी के पत्ते को कटा हुआ डाल देंगे। तो इसको अच्छी तरह हम मिलाएंगे। तब तक हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गैस पर ऑयल गर्म होने के लिए। ये देखिए दोस्तों इस तरह। आप चाहे तो इसको स्टीम करके भी बना सकते हैं, पत्ते पे बेसन घोल के लगा के उसको लपेट कर उस तरह भी बना सकते हैं, पकोड़े जैसा है। एक एक करके हम सारे अरबी के पत्ते के पकोड़े को छान लेंगे अच्छी तरह। दोस्तों आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें आप, क्योंकि इससे मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों पकौड़े हम एक एक करके सभी फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए सुनहरा कलर आ चुका है ब्राउन पकौड़ों में। तो हम इस पकौड़े को निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है पकौड़े में। तो इसी तरह हम बाकी का भी पकौड़े फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों सभी पकौड़े हमने फ्राई कर लिए हैं। तो अब गैस पे कढ़ाई चढ़ा देते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा देते हैं, गैस ऑन कर लेते हैं। अब इसके बाद हम सरसों ऑयल डालेंगे। सरसों ऑयल हमने डाल दिए हैं यूज के अकॉर्डिंग। सरसों ऑयल गर्म हो जाता है तो इसके बाद हम मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना हम इतना ले लिए हैं। अब इसको डाल देते हैं कढ़ाई में सरसों ऑयल में। देखिए दोस्तों मसाला हमने पीस लिए हैं। सरसों दाना और लहसुन की कलियाँ हमने इस तरह बारीक पीस लिए, पेस्ट बना लिए हैं। अब इसको हम डाल देते हैं। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी पीस सकते हैं, या तो आप सूखा मिर्च पसंद करते हो तो भी डाल सकते हैं पीस कर। तो उसी में पानी डाल के कढ़ाई में डाल दिए हैं। हरी मिर्च को इस तरह हम काट लेंगे क्योंकि हम पीस नहीं पाए हैं, तो आप पीस सकते हैं या तो फ़ौरन में डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह मसाले भुन चुके हैं। मसाले अब डालना शुरू करते हैं। हल्दी पाउडर है डाल दिए मैंने, लाल मिर्च पाउडर यूज के अकॉर्डिंग, अमचूर पाउडर हमने डाल दिए हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जी मसाला पाउडर है तो 1.5 चम्मच सब्जी मसाला पाउडर डाल दिए मैंने। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल के भून लेंगे मसालों को अच्छी तरह। जब तक ऑयल ना आ जाए तब तक हम भूनते रहेंगे हाई फ्लेम पे। और चॉप कर लिए टमाटर हमने एक, तो उसको भी हम भून लेंगे मसालों में ही, सॉफ्ट हो जाएगा उसी में। तो अब हम गरम मसाला चुटकी भर डाल देते हैं। दोस्तों ये सब्जी बहुत टेस्टी बनता है, आप इस तरह बनाएं तो बहुत ही लाजवाब बनता है। चावल के साथ खाएंगे तो और आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा ऐसे बनाकर। देखिए दोस्तों ऑयल आ चुका है, ढक दिए थे हमने, तो टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। और इसके बाद हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे मसालों को अच्छी तरह से, क्योंकि मसालों को भूनना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कच्चापन ना रह जाए इसलिए। तो इसलिए दोस्तों मसाले को अच्छी तरह भूनना होता है। मसाले भुन जाएंगे तो अच्छी तरह टेस्ट भी आ जाएगा सब्जी में। देखिए दोस्तों साइड साइड में ऑयल आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना ऑयल आ चुका है मसालों से। तो इसमें हम पानी डाल देते हैं 2 गिलास लगभग। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आपको थिक पसंद हो तो कम डाल सकते हैं, अगर आपको रस वाला पसंद है तो उसके लिए 2 गिलास एक्स्ट्रा भी पानी डाल सकते हैं। इसके बाद ढक्कन हम लगा देंगे, उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हम पकौड़े डाल देंगे। ढक्कन हमने लगा दिए हैं। देखिए दोस्तों उबाल अच्छी तरह आ चुका है, पकौड़े एक एक करके हम डाल देंगे। अरबी के पत्ते के पकौड़े खाएंगे ऐसे भी तो बहुत टेस्टी लगता है, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, चाहे तो आप सब्जी में बना सकते हैं। तो जैसा आपको पसंद हो आप ऐसा सब्जी में बना सकते हैं, तो पकौड़े ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए दोस्तों सब्जी हमारा बन के तैयार है, ढक्कन हमने लगा दिए हैं 5 मिनट के लिए। देखिए कितना सॉफ्ट बन चुका है सब्जी हमारा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, प्लीज़ वॉच।